प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडी जनरल पंजाबी दी पाठ पुस्तक दा जिहड़ा भाग पहला ये शुरू कर रहे हां। इस दे विच पंजाबी सभ्याचार दे बारे काफी चर्चा कीती गई है। इस भाग दे विच इस दा जिहड़ा पहला भाग है पंजाबी सभ्याचार दे नाल जान पछाण, इस दा जिहड़ा पहला जिहड़ा पार्ट है, पहला जिहड़ा इस दा पार्ट है, यह कुछ क लंबा होण करके इस नूं असी पार्ट्स दे विच करांगे। पहला पार्ट है तुहाडा पंजाबी सभ्याचार, ते इस दे लेखक डॉक्टर ब्रजिंदर कौर जी हन। इन्हां ने एमए पंजाबी, एमफिल पीएचडी कीती हुई है ते पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च यूजीसी नवी दिल्ली दे विच जिहड़ा इन्हां दा कीता है अध्ययन अध्यापन ते एडमिनिस्ट्रेशन दा है। ते पाठ आपां शुरू कर रहे हां पंजाबी सभ्याचार। पंजाबी सभ्याचार किसे खास खिते जां कौम दी समुची जीवन जांच हुंदी है, जीवन जांच हुंदी है, जीवन दा ढंग खिता हुंदा इलाका। सभ्याचार निश्चय ही उस कौम दे जीवन नाल जुड़े वख वख विचारां, मनोतां, रहन सहन, कदरां कीमतां, खान पीन, रीति रिवाजां, पहरावे, बोली अते तिथ त्योहार दा सुमेल है। सुमेल हुंदा है मतलब इस नूं असी कहिंदे इकट्ठ मिलिया जुलिया होना। उपरी नजरे वेख्या जिथे सभ्याचार दी प्रकिरति सधारण जापदी है उत्थे इस दा अध्ययन करदे हुए असी महसूस करदे हां कि ए अपने आप विच इक जटिल वर्तारा है। जटिल हुंदा है औखा, कंपलैक्स अंग्रेजी दे विच कहने हां। ते इस दा जिहड़ा है ओ दूसरा इस दे अर्थ हन जटिल, औखा, गुंजलदार। पंजाबी हुण आपां पंजाबी सभ्याचार दे जिहड़ा है इन्हां दे सभ्याचार दी परिभाषा करांगे ते इस दा स्वरूप स्वरूप भी इस दे विच की कुछ आउंदा है। सभ्याचार शब्द असल विच दो शब्दां दे नाल बनया, सभ्य अते आचार, इह दोवां दा सुमेल है, इकट्ठ है। सभ्य दा जिहड़ा है शाब्दिक अर्थ यानी कि लिटरल मीनिंग जिहड़ा है ओह है नियमबद्धता, भी अपने आप नूं नियम दे विच बनना। जदकि इस दा आचार दा अर्थ है आचरण, आचरण हुंदा है साडा मतलब जिहड़ा कंडक्ट, भी असी किस तरह दा व्यवहार करदे हां, भाव ओह चरित्र जो जीवन विच किसे नियमबद्धता दा धारनी है उस नूं सभ्याचार कहने। नियमबद्धता विच व्यक्ति विशेष वल्लों चंगी जीवन जांच लई अपनाए गए नेम, नेम हुंदे नियम, बद असूल हुंदे हन, असूलां नूं जिहड़ा है वी नियम कहा जांदा है, जिन्हां नूं सारे लोक समूह, गुट, जुट, समूह दा इकट्ठ, गुट ते जुट भी इस दे जिहड़े ने ओह पर्यायवाची शब्द हन प्रवान करदे हन। कोई भी कुरीति जां बेनियमी किसी सभ्याचार दा अंग नहीं बन सकदी। कुरीति जां बेनियमी जिहड़ा व्यक्ति जिहड़ा है ओह किसी माड़े आचरण वाला हुंदा है जां ओह नियमां नूं नहीं मनदा, समाजिक नियमां नूं नहीं मनदा, ओह जिहड़ा है अपने सभ्याचार दा अंग नहीं बन सकदा, सर्व प्रमाणित नहीं हो सकता, ओह समाज दे विच उस नूं मानता नहीं मिल सकती। उस व्यक्ति नूं समाज इस नूं प्रवान नहीं करदा अते सभ्याचार सिर्फ समाज विच रहिंदे होए ही ग्रहण कीता जा सकदा है। असी किसे भी समाज दा जिहड़ा सभ्याचार जिहड़ा ग्रहण करना है तां असी सिर्फ ते सिर्फ उस जिहड़ा है विशेष उस सभ्याचार दे विच रह के ही ग्रहण कर सकदे हां। इसे ही आधार ते इसे करके जिहड़ा है मनुख नूं समाजिक प्राणी कहा गया है। समाजिक प्राणी जिहड़ा मनुख जिहड़ा है उस नूं समाजिक प्राणी मन्या जांदा है। सभ्याचार शब्द लई हिंदी भाषा विच संस्कृति शब्द दी वरतों कीती जांदी है। शब्द संस्कृति दी निरुक्ति है,
सस प्लस कृति बराबर संस्कृति। ए शब्द हिंदी भाषा दे पुराने रूप संस्कृत भाव संवारी हुई भाषा रिफाइंड लैंग्वेज तो लिया गया है। अंग्रेजी विच सभ्याचार लई वरत्या जाण वाला शब्द कल्चर है। अंग्रेजी दे विच असीं इस नूं सभ्याचार नूं कल्चर कहने हां। कल्चर शब्द जिहड़ा है लातीनी भाषा दे शब्द लैटिन लैंग्वेज दा जिहड़ा शब्द है कल्चर तो बनिया है जिस दे शाब्दिक लिटरल अर्थ हन लिटरल मीनिंग इंदा है शाब्दिक अर्थ इस दा है टू कल्टीवेट लैंड। कल्टीवेट लैंड पाओ भूमि दी बिजाई जुताई तो लिया गया है अर्थात ओ प्रक्रिया जिस राही मनुख अपने आप नू वातावरण दे अनुसार टालदा है सभ्याचार दे विच रह के समाज दे विच रह के उस खास सभ्याचार नू ग्रहण करदा है। ए तां ही संभव है जेकर मनुख जेड़ा है समाजिक प्राणी होके रहिंदा है उस समाज दे नियमां नू इस दे नियमां नू जड़ा है ओ मनदा है। जेकर ओ नहीं मनदा तां समाज जड़ा है उस नू अपने समाजिक नियमां दे अनुसार जड़ा है ओ सजा भी दिंदा है। हरेक भाषा विच सभ्याचार लई वख-वख शब्द वरते जांदे हन पर इन्हां दा भाव इको ही है इन्हां दा अर्थ मीनिंग इको ही है कि मनुख समाज विच रहिंदिआं होइआं जिन्हां समाजिक लोड़ां अनुसार रीति रिवाजां नू किसी नियम अधीन ग्रहण करता है प्राप्त करता है उस नूं सभ्याचार कहिंदे हां। अगे आपां गल करदे हां सभ्याचार दा इतिहासिक पिछोकड़ की है इस दा इतिहास दे नाल संबंध की है सभ्याचार कित्थों शुरू होया है ते इस दी वर्ग वंड की है क्लासीफिकेशन की है इस दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की है जिहड़ा है पंजाबी सभ्याचार दी। ए भारत अनेकता विच एकता वाला मुल्क है देश है भी भारत जिहड़ा है ओ इस दे विच जिहड़ा अनेकता पाई जांदी है परंतु सारे सारियां जातां बरादरियां सभ्याचारां दे विच ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਉਪ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਮਰਾਠੀ ਆਦਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਉਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੁੱਢਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਪੁਆਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਝੀ ਮਲਵਈ ਦੁਆਬੀ ਪੁਆਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ
जबान जड़ी ओ भाषा हुंदी है, वख वख भाषा बोलदे ने, वख वख धर्मां दे नाल संबंध रखदे ने, इह समूहां वर्गां दे आधार ते अपनाए जीवन ढंग जिहड़े ने इह सारे दे सारे उप सभ्याचार अखवांदे हन। जेकर पंजाबी सभ्याचार दी आपां गल करिए तां इन्ने छोटे जे खेत्र फल दे विच पसरे होए इस इलाके खिते दे वासियां ने भारत दी नहीं सगों पूरे विश्व विच संसार विच विलखणता यानी कि वखरता वखरी पहचान कायम रखी हुई है, विलखण पहचान कायम रखी हुई है। आम तौर ते कहा जांदा है कि आलू अते पंजाबी दुनिया दे हर कोने दे विच मिल जांदे हन। पंजाबियां दी वखरी इस पहचान दा कारण निश्चय ही इस दे विलखण पहचान चिन्ह हन। भी पंजाबियां दे जिहड़े ने पहचान दे पहचानण दे चिन्ह भी जिहड़े ने ओह वखरे वखरे हन, चिन्ह हन। सर्व प्रमाणित मत है कि पंजाबी सभ्याचार असल दे विच पंजाबी जिहड़ी सभ्याचार दी धारा आरिया जाति दे इतिहास दे नाल प्रमुख रूप दे विच जुड़ी हुई है। भी आरिया लोग जिहड़े सी सब तो पहला आए सन। वैदिक सभ्याचार दे महान ग्रंथ अते पंजाबी सभ्याचार दा महान स्रोत जिहड़ा है ओह ऋग्वेद पंजाब दे दरियावां दे कंढ्यां उत्ते ही रचिया गया है। पंजाबी सभ्याचार क्यों जो भारतीय सभ्याचार दा पहला पड़ा मन्या जांदा है, इसलिए इत्थों दा भूगोल इतिहास राजनीति अते आर्थिकता विशेष ध्यान दी मंग करदे हन। पंजाब ना सिर्फ हिंदुस्तान दा प्रवेश द्वार है, भी आपां सारे जानदे हां भी पंजाब जड़ा है ओह भारत दे विच जड़े है प्रवेश द्वार है, भी भारत दे विच दाखल होना है पंजाब दे राही दाखल होया जांदा है। सगों हिंदुस्तान दे नामकरण विच भी इस खिते दी भूमिका वर्णन योग है। ऋग्वेद काल विच पंजाब सत दरियावां दी धरती होण दे कारण सप्त सिद्धू दे नां नाल जाणिया जांदा रहा है। समय दे नाल महाभारत दे युग विच पंजाब नूं पंज नांद भाव पंज दरियावां दी धरती कहा जाण लगा, जो कि मुसलमानां दे आउण नाल फारसी भाषा दे अनुवाद अनुसार पंज आब पंजाब भाव पंज पाणियां दी धरती वजों जिहड़ा जाणिया जांदा है पंजाब है। इत्थे इह दसना भी वाजिब है कि भारतीय सभ्याचार दीआं प्रमुख घटनावां भी पंजाब विच ही वापरियां हन। ऋग्वेद दे नाल नाल पाणिनी दा नियमबद्ध व्याकरण ग्रंथ भी इसे ही धरती दी रचना है। पाणिनी जिहड़ा इक महान विज्ञान जिहड़ा है महान भाषा विज्ञानी होया है ते इसने जिहड़ा है व्याकरण दी रचना कीती है। व्याकरण जिहड़ा है किसे भी भाषा नूं नियमबद्ध जिहड़ा है जानण दा समझण दा जिहड़ा है ओह इक जरिया है जिस दे विच नियम दर्ज कीते गए हन ते उना नियमां दा ज्ञान जिहड़ा है व्याकरण दा ज्ञान अखवांदा है। तक्षशिला महान विश्वविद्यालय दी स्थापना भी पंजाब विच ही होई। रामायण भगवत गीता श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि महान ग्रंथां दी रचना भी इसे ही धरती ते होई। हां बच्चो आपां देखदे हां भी जिहड़े महान ग्रंथ ने जिहड़े ए पंजाब नूं बहुत वड्डा मान जिहड़ा प्राप्त होया होया है। ए भी वर्णन योग है कि ए सब आधुनिक पंजाब विच नहीं रचे गए बल्कि ए ओ समा सी जदों पंजाब दीआं सभ्याचारक अते भूगोलिक सरहदां अजोके राजनीतिक नक्शे विचलियां हदबंदियां तो किधरे विशाल सन। पुराना पंजाब दा नक्शा देखो, पुराना पंजाब साडा बहुत वड्डा हुंदा सी ते मध्यकाल दे विच जिहड़ा है पंजाब इस्लाम धर्म अते इस्लामिक संस्कृति दा बहुत वड्डा खेत्र बनिया रहा, जिस दे सिट्टे वजो पंजाब दी वसों दा एक बहुत वड्डा हिस्सा इस्लाम धर्म नाल जुड़ गया। इस्लाम धर्म मुसलमान धर्म इस्लामिक सूफी संतां ने पंजाबी सभ्याचार विच जिहड़ा भारती अते इस्लामी रंग दा सुमेल हुंदा इकट्ठ स्थापित करन दा भरपूर यतन कीता। सिख गुरुआं ने अपनी नरोई मानववादी सोच नाल इक नवे सभ्याचार दा निर्माण कीता जो कि पंजाबी सभ्याचार दा धुरा है। हां बच्चो तुहाडा लैक्चर जिहड़ा है तकरीबन इत्थे 15 मिंट दा हो गया है ते वीडियो थोड़ी जी लंबी हो गई है, इस नूं आपां कल सैकंड पार्ट दे विच कंटिन्यू करांगे। ते तुहानूं पता है कि सारे विश्व दुनिया दे विच कोरोना वर्गी महामारी चल रही है, इस करके तुहानूं पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जा रही है ते तुहाडे लई जिहड़ा है अपने सरकार मैं प्रिंसीपल सुरेश कुमार
जड़ा है सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के गुरूर साई ने तुहाडे लई यूट्यूब चैनल शुरू करवाया है। इस दे उत्ते सारियां क्लासां दे लैक्चर अपलोड किते जांदे हन, इसलिए इस जड़ा है ओ चैनल दे उत्ते तुसी पहुंच करो, पहुंच करके इस नूं सबसक्राइब करो, इस नूं लाइक करो ते वक्त तो वक्त जड़ा है इस नूं अपने यारां दोस्तां नूं शेयर करो ता जो जड़ा है इस दा फायदा जड़ा है समुचे विद्यार्थी वर्ग नूं ते सारियां नूं पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।